अब हम जानेंगे SO2 के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक अम्लीय ऑक्साइड होता है। कई सारे इसके गुण हम देखेंगे जिसमें ये अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करता है, अर्थात जब ये जल से क्रिया करता है सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो सबसे पहले हम SO2 बनाने की विधि को जानेंगे। SO2 को बनाने के लिए सोडियम सल्फाइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। औद्योगिक विधि से भी सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। औद्योगिक विधि से इसे बनाने के लिए लेड सल्फाइड है 4FeS2, इसका ऑक्सीकरण कराया जा रहा है। 4FeS2 का ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो 4FeS2 प्लस 11O2 इज इक्वल टू 2Fe2O3 प्लस 8SO2। और यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इस सल्फर डाइऑक्साइड को शुद्ध एवं शुष्क कर लिया जाता है। शुद्ध एवं शुष्क करने के बाद उसको द्रवीभूत होने दिया जाता है, अर्थात उसको लिक्विफिकेशन करते हैं और लिक्विफाई करके उसको सिलेंडरों में भर लिया जाता है। तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। तो SO2 गैस रूप में प्राप्त हुआ, जिसे बहुत ज़्यादा द्रवीभूत करके सल्फर डाइऑक्साइड के लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित कर लिया गया है। सल्फर को बनाने के लिए सल्फर का वायु में दहन कराने पर भी सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जैसे सल्फर प्लस O2 इज इक्वल टू SO2। इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इसके लिए रिएक्शन होगा 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रंगहीन होती है और बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो नेचर है, ये एक अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड दम घोटने वाली गैस होती है और सल्फर डाइऑक्साइड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर द्रवित हो जाती है और 263 केल्विन पर यह उबलने लगती है। सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यह अम्लीय ऑक्साइड है, तो ये नीले रंग के लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देती है। तो SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। इसी प्रकार जब ये क्षार से क्रिया करती है, चूँकि ये अम्ली है तो ये क्षार से भी क्रिया करती है, तो 2NaOH प्लस SO2 इज इक्वल टू Na2SO3 प्लस H2O। तो एक लवण का निर्माण हुआ, सोडियम सल्फाइड। SO2 जब सोडियम सल्फाइड से क्रिया करता है तो यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड भी प्राप्त होता है। तो SO2 की मात्रा जब अधिक ली जाती है तो सोडियम बाईसल्फाइड प्राप्त हुआ। तो SO2 प्लस Na2SO3 इज इक्वल टू H2O प्लस NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड। SO2 चतुसंयोजकता दर्शाते हैं, लेकिन Cl2 और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये अपनी सहसंयोजकता को बढ़ाते भी हैं। जैसे जब ये Cl2 से क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो SO2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू SO2Cl2। इसी प्रकार SO2 जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो 2SO2 प्लस O2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में ये चेंज होता है 2SO3 में। ये जो रिएक्शन है इसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब H2SO4 का पढ़ेंगे वहाँ भी हम इस रिएक्शन को देखेंगे। ये बहुत ही मुख्य पद होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए। ये जब नमी के साथ क्रिया करते हैं या जल के साथ क्रिया करते हैं तो नवजात ऑक्सीजन देते हैं, और यही नवजात ऑक्सीजन दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, SO2 जब H2O से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है H2SO3, और H2SO3 जब फिर पुनः जल से क्रिया करता है तो बनता है H2SO4 प्लस 2H। तो यहाँ पर लेकिन यदि इसकी विरंजन क्रियाओं को हम देखेंगे तो वो जो विरंजन क्रियाएं होती है SO2 की, वो अपचयन के कारण होती है, क्योंकि यहाँ पर ये नवजात हाइड्रोजन भी देता है। तो SO2 के द्वारा किया गया जो विरंजन होता है वह अस्थाई होता है, आगे हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फेरिक लवण को किस प्रकार से क्रिया करके फेरस में परिवर्तित कर रहा है। तो 2Fe3 प्लस प्लस SO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस। तो यहाँ पर ये फेरिक आयन को
फेरस में अपचयित कर देता है। तो ये रिएक्शन इसके अपचयन गुण को दर्शाता है, यहाँ अपचायक की तरह यह कार्य कर रहा है। तो ये जो जब इसमें हम कलर उड़ाने वाली बात देखेंगे, विरंजन वाली बात देखेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये अस्थाई होता है, क्योंकि जब भी किसी पदार्थ का विरंजन यदि अपचायक के द्वारा, अपचयन की क्रिया के द्वारा होता है, तो वह अस्थाई होता है, क्योंकि वो पुनः वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और पुनः रंग को वापस ले आते हैं। तो SO2 द्वारा जो विरंजन है वह अस्थाई होता है। अम्लीकृत KMnO4 को भी जो SO2 है वो रंगहीन कर देता है। अम्लीकृत KMnO4 का जो रंग है वो बैंगनी रंग होता है। जब SO2 से उसकी क्रिया होती है तो मैग्नस सल्फेट के बनने के कारण वह रंगहीन हो जाता है। तो इसके लिए जो समीकरण है वो 2KMnO4 plus 5SO2 plus 2H2O is equal to K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। तो यहाँ पर जो MnSO4 बनता है ये रंगहीन है और इसी वजह से KMnO4 रंगहीन हो जाता है। अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी ये हरे रंग का क्रोमिक लवण बनाता है। जैसे ही अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता है, हरे रंग का एक क्रोमिक लवण बनता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 से जो आयन बनता है वो है Cr2O7 2- माइनस प्लस 3SO2 प्लस 2H प्लस इज इक्वल टू 3SO4 2- माइनस प्लस H2O प्लस 2Cr3 प्लस। तो यहाँ पर जो Cr3 प्लस है इसी से क्रोमिक लवण बनता है। अम्लीकृत आयोडेट को ये आयोडीन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, तो आयोडेट लवण को ये आयोडीन में परिवर्तित करते हैं, बैंगनी रंग प्राप्त होता है। 2KiO3 plus 5SO2 plus 4H2O is equal to K2SO4 plus 4H2SO4 plus आयोडीन। तो आप देखिए यहाँ पर K2SO4 तीनों ही रिएक्शन में हमें प्राप्त होता है। भले ही K2Cr2O7 के साथ जब रिएक्शन होता है तो वह एक आयनिक अभिक्रिया है, इसलिए वहां पर SO4 आयन दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी जो दोनों रिएक्शन है अम्लीकृत KMnO4 का या फिर आयोडेट लवण का, दोनों में ही कॉमन रूप से H2SO4 K2SO4 बनता ही है। SO2 द्वारा होने वाला जो विरंजन है वो ऑक्सीकरण के द्वारा नहीं होता बल्कि अपचयन की क्रिया के द्वारा होता है, इसलिए SO2 द्वारा होने वाला जो विरंजन है वो अस्थाई होता है, क्योंकि जब अपचयन की क्रिया के द्वारा किसी रंगीन पदार्थ का, जैसे कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, सब्जियों का या वस्त्रों का रंग यदि उड़ जाता है, विरंजन हो जाता है, तो वापस यदि वायुमंडल के ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेती है रंगहीन वस्तु, तो उसका रंग पुनः दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार SO2 द्वारा होने वाला जो विरंजन है वह अस्थाई होता है, वह सिर्फ अपचयन के कारण ही विरंजन कर पा रहा है, इसलिए यह अस्थाई होता है। SO2 प्रबल अपचायकों के साथ क्रिया करके एक ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य करता है। तो इसके लिए रिएक्शन है SO2 plus 2H2S, यानी SO2 एक अपचायक की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है। SO2 यहाँ पर एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। SO2 plus 2H2S is equal to 2H2O plus 3S। इसी प्रकार मैग्नीशियम के साथ जब ये रिएक्ट होगा, 3Mg plus SO2 is equal to 2MgO plus MgS। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है जब SO2 की क्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो यहाँ पर भी यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है और प्रबल अपचायकों को अपचयित कर पा रहा है। अगला रिएक्शन है, जब ये आयरन के साथ रिएक्ट होता है, 3Fe plus SO2 is equal to 2FeO plus FeS। यहाँ पर भी यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। SO2 असमानुपातन रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, जिसमें एक ही अभिक्रिया में सल्फर के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देते हैं। जैसे एक रिएक्शन हम देखेंगे, 3SO2 is equal to S plus 2SO3। तो यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह सल्फर एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हुआ। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है, जबकि तत्व सल्फर जो है उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और SO3 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस 6 है। तो एक ही रिएक्शन में कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर के दिखाई दे रहे हैं। तो यह
असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना। सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना में हम देखते हैं कि SO2 के मध्य डीपाई पीपाई या पीपाई पीपाई प्रकार का अतिव्यापन पाया जाता है। यहाँ पर जो सल्फर है उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर सल्फर दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता रख सकता है, S डबल बॉन्ड O, S सिंगल बॉन्ड O। और दूसरी तरफ यदि हम अनुनादी संरचना बनाएंगे तो यह सल्फर दूसरी तरफ के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। तो जब इसके अनुनादी संकर की बात होती है तो वहाँ सल्फर पर एक लोन पेयर तो है, लेकिन यहाँ सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को शो कर सकते हैं। अब हम SO2 के उपयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहला उपयोग है SO2 शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग में आता है। विभिन्न प्रकार के जो ऊन है, रेशम है, कार्बनिक जो वस्तुएं हैं उनका विरंजन करने में इसका प्रयोग होता है। प्रतिक्लोर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रतिक्लोर का अर्थ है कि जहाँ पर क्लोरीन के द्वारा विरंजन हुआ होता है किसी पदार्थ का, तो वहाँ जो अतिरिक्त क्लोरीन है उसको हटाने के लिए प्रतिक्लोर का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिक्लोर के रूप में SO2 का बहुत उपयोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम बाइसल्फाइड बनाया जाता है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं वहाँ विलायक के रूप में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग विसंक्रामक के रूप में भी किया जाता है। सल्फर के ऑक्सो अम्ल के बारे में अब हम जानेंगे। सल्फर के ऑक्सो अम्लों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सल्फ्यूरस अम्ल की श्रेणी, सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी, थायोनिक अम्ल श्रेणी एवं पर ऑक्सो अम्ल श्रेणी। तो जो थायो अम्ल श्रेणी होती है वहाँ पर SS लिंकेज होता है। पर ऑक्सो अम्ल की जो श्रेणी होती है उसमें OO लिंकेज पाया जाता है। तो अब एक एक करके हम प्रत्येक वर्ग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सल्फ्यूरस अम्ल श्रेणी। सल्फ्यूरस अम्ल श्रेणी में 3 मुख्य ऑक्सो अम्ल को हम जानेंगे, सल्फ्यूरस अम्ल, पायरोसल्फ्यूरस अम्ल, डाइथायोनस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला है H2SO3। तो S 2OH के साथ जुड़ा है एवं S डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है। पायरोसल्फ्यूरस अम्ल का जो सूत्र है H2S2O5, जब इसे हम संरचनात्मक रूप देते हैं तो OH दो सल्फर के साथ एवं सल्फर सल्फर आपस में जुड़ा हुआ है। सल्फर के साथ एक सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रूप में और एक सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के रूप में जुड़ा हुआ है। अगला है डाइथायोनस अम्ल। डाइथायोनस अम्ल का जो सूत्र है H2S2O4, इसके लिए संरचना देखिए, SS, S के साथ OH, इधर भी S के साथ OH और दोनों S के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये सल्फ्यूरस अम्ल के 3 मुख्य सूत्र हैं। अब हम देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी में कौन कौन से उदाहरण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसका सूत्र देखिए, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और S के साथ 2OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगला है थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। थायो शब्द है, यहाँ पर सल्फर सल्फर के बीच में लिंकेज है इसलिए यहाँ पे थायो शब्द का प्रयोग होता है। तो सूत्र है H2S2O3, S डबल बॉन्ड S, S डबल बॉन्ड O और S के साथ 2OH जुड़ा हुआ है। तो यह है थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र है H2S2O7, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और S के बीच में एक O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दोनों S के साथ OH एक एक अटैच्ड है और दोनों ही S में हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड O और इस S के साथ भी डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। तो ये है पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7। अगली श्रेणी है थायोनिक अम्ल की श्रेणी।
पहला सूत्र है डाइथायोनिक अम्ल का H2S2O6। इसकी संरचना होगी SS के बीच में सिंगल बॉन्ड और S के साथ दो OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ S डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल में हमने देखा था कि S और S के बीच में एक O जुड़ा हुआ था। यहाँ पर डाइथायोनिक अम्ल में S और S के बीच में कोई O लिंकेज नहीं है, केवल S और S के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये थायोनिक अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। अगला है पॉलीथायोनिक अम्ल। पॉली शब्द से ये होता है बहुत सारे यूनिट जब आपस में जुड़े होते हैं, तो इसलिए इसके फॉर्मूला में एक एक्स लिखा हुआ है। एक्स का अर्थ है कि कई सारे सल्फर यहाँ पर अटैच्ड हैं। यहाँ पर इसका सूत्र होगा OH, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, बीच में SX लिखा है। इस SX में X असंख्य है क्योंकि पॉली शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए S के साथ जो X है वो कई सारे S को दर्शाता है और S के साथ फिर S जुड़ा हुआ है तो S डबल बॉन्ड O और इस S के साथ भी OH अटैच्ड है, तो ये है पॉलीथायोनिक अम्ल जिसमें SX के द्वारा ये शो होता है कि कई सारे सल्फर के परमाणु आपस में जुड़े हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो जो हमने डाइथायोनिक अम्ल पढ़ा उसी आधार पर बनाया गया है। अगली श्रेणी है परऑक्सो अम्ल की श्रेणी। परऑक्सो अम्ल की श्रेणी में ओ लिंकेज होता है। इसका पहला उदाहरण है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है H2SO5, तो यहाँ पर S के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जो दोनों ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और सल्फर के साथ इधर O, OH और सल्फर के साथ एक और OH। एक OH डायरेक्टली S से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो OH है वो पहले ऑक्सीजन से जुड़ा है और वह ऑक्सीजन फिर सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो ये सूत्र है H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल के लिए। अगला है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होगा H2S2O8 SOOS। यहाँ पर दो O है क्योंकि पर ऑक्सो श्रेणी है, यहाँ पर OO लिंकेज होता है, तो S और S के बीच में दो O है और S के साथ दो OH तो अटैच्ड है ही जैसा सभी में था और दोनों S के साथ डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। ऊपर भी डबल बॉन्ड O और नीचे भी डबल बॉन्ड O, दूसरे S के साथ भी ऊपर डबल बॉन्ड O और नीचे डबल बॉन्ड O, तो दोनों में ही हमने देखा परऑक्सो अम्ल श्रेणी में OO लिंकेज पाया जाता है, जहाँ सल्फर सल्फर के बीच में जो ऑक्सीजन है वो दोनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बाकी सभी संरचनाएं एक ही समान है कि सल्फर के साथ डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, सल्फर के साथ OH अटैच्ड है, बाकी सब में जिस प्रकार से संरचना है वही होगी। डाइथायोनिक अम्ल श्रेणी या जो थायोनिक अम्ल श्रेणी या जो हमने पढ़ा परऑक्सो अम्ल श्रेणी, यहाँ पर सल्फर सल्फर लिंकेज और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे किंग ऑफ केमिकल्स के बारे में, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 बनाने की जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे हमें जानना है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है तो मुख्य रूप से तीन पद यहाँ शामिल होते हैं। सबसे पहला पद जो होता है उसमें सल्फर का ऑक्सीकरण किया जाता है, सल्फर के ऑक्सीकरण से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने की विधि है आयरन सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो आयरन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो 4 FeS प्लस 7 O2 इज इक्वल टू 2 Fe2O3 प्लस 4 SO2, तो इन दोनों विधियों से सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा पद यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन कराना, पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन कराएं और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसके लिए समीकरण होगा 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3। अब जब 2SO3 बन जाता है तो इसकी क्रिया जल से कराई जाती है, SO3 प्लस
H2O is equal to H2SO4. तो यहाँ पर SO3 plus H2SO4 से H2S2O7 बनता है. तो प्राप्त जो SO3 था उसका रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो H2S2O7 बनता है, ओलियम बनता है. और H2S2O7 की जब क्रिया जल से कराते हैं तो वापस सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है 2H2SO4. तो H2S2O7 plus H2O is equal to 2H2SO4. तो ये इसके मुख्य पद हैं. अब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो पूरा प्लांट होता है किस प्रकार से ये अटैच्ड होते हैं और कौन कौन से इसके मुख्य मुख्य भाग हैं उसके बारे में जानेंगे. सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है पाइराइट बर्नर का. दूसरा पार्ट होता है धूल अवक्षेपक का. तीसरा है धोने और शीतलीकरण के लिए जो टावर है उसका. चौथा होगा शुष्कन मीनार यानि जो ड्राइंग टावर होता है. आर्सेनिक शुद्धिकारक. उसके बाद है पूर्व तापक, उत्प्रेरक परिवर्तक और लास्ट में है अवशोषण टावर. तो इतने सारे पूरे अलग अलग पार्ट हैं और सभी में अलग अलग प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है. अब हम एक एक करके जानेंगे. सबसे पहला जो पाइराइट बर्नर है यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, या जो हमने देखा कि FeS का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है. तो सबसे पहला जो पाइराइट बर्नर है वहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन कराकर सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, या FeS की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. दूसरा है जो ये SO2 बना, इस SO2 को धूल कणों से मुक्त करने के लिए, जो SO2 में धूल कण है को हटाने के लिए इसे धूल अवक्षेपक में डाला जाता है. धूल अवक्षेपक में जो SO2 में प्रेजेंट धूल है वो अवक्षेपित हो जाते हैं. इसके बाद जो शुद्ध गैसेस होती है उसको और धोने के लिए या शीतलीकरण करने के लिए धोने और शीतलीकरण के लिए लगे टावर से प्रवाहित करते हैं. इसके बाद जो इसमें नमी आ गई है तो नमी को हटाने के लिए इसको शुष्कन मीनार में डाला जाता है. शुष्कन मीनार में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार कराई जाती है. सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उस गैस में प्रेजेंट जो नमी है उसको अवशोषित कर लेती है. इसके बाद इसको पूर्व तापक में डाला जाता है. तो जब पूर्व तापक में गैस को प्रवाहित करते हैं तो टेम्परेचर 673 से 723 केल्विन तक रखा जाता है. पूर्व तापक के बाद इस गैस को उत्प्रेरक कक्ष में ले जाया जाता है. तो सल्फर डाइऑक्साइड की जब क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है. और यहाँ पर जो तापमान है वो कम होना चाहिए, दाब उच्च होना चाहिए. तो इस पूरे अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है और यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है. तो यदि हम इसके सिद्धांत को देखेंगे तो ये ली शातेलिए सिद्धांत को फॉलो करता है, जहाँ पर दो गैसेस आपस में क्रिया करती हैं तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, दाब बहुत अधिक होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन संभव होता है. तो ली शातेलिए सिद्धांत के अनुसार कोई भी रिएक्शन साम्यावस्था में होती है और वहाँ पर उसके दाब, ताप या सांद्रण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया स्वयं को इस प्रकार संबंधित कर लेती है कि जो चेंजेस हुए हैं उस चेंज का उस रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. तो चूँकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही गैस होते हैं तो रिएक्ट होने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए और दाब अधिक होना चाहिए. इस पूरे अभिक्रिया में बनने वाला जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जब H2S2O7 बन जाता है उसको जल से क्रिया कराते हैं तो 2H2SO4 बनता है. और बनने वाला जो H2SO4 है उसकी मात्रा 96 से 98% होती है.